लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने हरियाणा में कमर कसनी शुरू कर दी है। इससे भी एक कदम आगे अब हरियाणा में जननायक जनता पार्टी ने भी अपना लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया है। जुलाना में होने वाली जेजेपी की नव संकल्प रैली को लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर है। तमाम जेजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये रैली बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। सोनीपत लोकसभा की जुलाना में ऐतिहासिक रैली करके संगठन को मजबूत करके दिखाएंगे, ऐसा दावा तमाम जेजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल बजाने जा रही है। जेजेपी द्वारा रविवार 2 जुलाई को जुलाना की नई अनाज मंडी में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बड़ी रैली होगी। जेजेपी की नव संकल्प रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे तथा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बतौर मुख्य वक्ता रैली को संबोधित करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश करेंगे। वहीं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से जेजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व स्थानीय लोग हिस्सा लेंगे। शनिवार को जेजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ और विधायक अमरजीत ढांडा ने रैली स्थल पर पहुंचकर रैली की तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई। रैली के आयोजक एम जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा ने कहा कि पार्टी द्वारा रैली को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। ढांडा ने कहा कि रैली के जरिए पार्टी अपने संगठन की ताकत दिखाएगी और जेजेपी नई ऊर्जा के साथ सोनीपत में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। कल का दिन आप सभी ने देखने का एक विषय होगा, सारे पत्रकार साथी हो या एक रैली का जो दृश्य देखने मिलेगा आपने, सर्व विकास कार्य अपने परिवार सारे सदस्य आएंगे, घर के मेंबर हैं, मैंने गुरु बना रखा मेरा हल्का, मेरा परिवार, मेरे परिवार ने जो जिम्मेदारी दी थी मेरे को हल्के ने, मैं दिन रात मैंने कितने विकास कार्य करवाए हैं मजबूती साथ है। भैया फील्ड का काम हो या सड़कों का काम हो या सड़कों जाल बिछाना काम हो, सब लोग खुश हैं। घर घर जाकर न्योता दिया मैंने, पूरे हमारे साथी हैं जैसे मीनू शर्मा जी हैं, टिंकू मंगलार है, पवन लाठर, प्रताप लाठर जी हैं, अपने आदरणीय डॉक्टर कृषि बांगड़ जी हैं, अपनी ड्यूटी आने लग रही थी तो मलिक साहब अमिताभ जी, पूरी टीम दिन रात में लगी हुई है, सारे युवा साथी मजदूरों पूरा प्यार मान सम्मान मिल रहे हैं। विधायक अमरजीत ढांडा ने कहा कि करीब 12 एकड़ की नई अनाज मंडी में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोग भाग लेंगे और रैली ऐतिहासिक होगी। ढांडा ने कहा कि हरी पीले रंग में भव्य विशाल पंडाल सज चुका है और रैली की व्यवस्था संभालने के लिए करीब 500 वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि रैली स्थल पर एक मुख्य स्टेज के अलावा कलाकारों की प्रस्तुति के लिए अलग से मंच बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रैली स्थल पर महिलाओं के लिए अलग से ब्लॉक होगा, वहीं मीडिया गैलरी भी अलग होगी। अब देखना ये होगा कि जुलाना के अंदर होने वाली जेजेपी की इस रैली में कितनी ऐतिहासिक भीड़ जुटती है। जो दावे जेजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं वो दावे कितने पूरे होते हैं ये तो रैली के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल एक बात तो तय है, जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों का बिगुल पहले ही बजा चुके हैं, वहीं अब जेजेपी भी इस मैदान में कूद चुकी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी सभी तैयारियां पूरी हैं। 2024 के चुनाव की लोकसभा की तैयारी है तो जननायक जनता पार्टी ने 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियों की शुरुआत की है, जिसकी पहली रैली सोनीपत लोकसभा की इस पवित्र भूमि जुलाना में रखी गई है और जुलाना के इतिहास की सबसे बड़ी रैली ये कल होने जा रही है।
कितने लोगों के आने की संख्या है? मैं लोग इतने आएंगे कि ना हम गिन पाएंगे ना आप गिन पाओगे, ये मतलब लोग में हो जाएगा ये सारा। जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं जेजेपी की तरफ से, वो दावे क्या इस रैली के माध्यम से पूरे होते हैं या नहीं, इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।